नहीं होते जिंदगी में, कभी उदास नहीं होते, और तकदीर तो उनकी भी होती है मेरे यार जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। अगर आपको भी मैथ नहीं आती है, आप भी गणित की बीमारी से पीड़ित हैं, तो आज आपका गारंटी वाला इलाज होगा। हाँ, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अलग बात है, बाकी इलाज गारंटी वाला होगा। आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है सर्कल। सर्कल मीन्स वृत्त। वृत्त आपने देखा होगा, वृत्त नहीं देखे हो तो घर में तावा देखे हो जिस पर रोटी बनती है, रोटी तो खाया हो कम से कम ना। कंगन चूड़ी देखे हो, हाँ, जो लड़कियां होंगी उनको पता होगा अच्छे से, लड़के जो है वो भी कम नहीं, उनको भी पता है। तो उसी आकार का होता है वृत्त, उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना, सभी बच्चे जुड़े हैं, सबका नाम हम बोलेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे उसके पहले कुछ पढ़ाई वाली बात करेंगे। आरती सिंह, अमरनाथ, प्रियंका, जग्गू भाई जुड़े हैं, दिनेश, जो भी बच्चे जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि कमेंट एक ही बार करें, बार बार ना करें। और चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, मतलब की बात करते हैं, पढ़ाई की बात ज्यादा करते हैं, बिना मतलब की बात कम करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चा, वृत्त क्या होता है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, यानी सर्कल कहलाता है। चलिए हम बात करते हैं आपके सामने बना करके, ध्यान दीजिए, जिनको कुछ नहीं पता इसके बारे में वो भी बहुत प्यार से समझेंगे। बच्चा, इसको क्या बोलते हैं बबुआ, इसको वृत्त बोलते हैं। आपके घर में चूड़ी कंगन होगा किसी के पास, या फिर गोली, कोई भी वस्तु ले लो जो एकदम गोल हो, वो क्या होती, सर्कल होती है, वृत्त होती है। समझ गए ना। अब बात करते हैं वृत्त होता क्या है इसके बारे में। मैंने बताया कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी, वो निश्चित बिंदु कहाँ है, ये है बच्चा वो निश्चित बिंदु, इससे स्थित समान दूरी पर, मतलब कि तुम इंची टेप लेके चाहे इधर नाप लो, ये उधर टाप वो ले आओ, टेप नापने वाला है बोर्ड के पास है जिसे नापते हैं। देखो, इधर से इधर नापो, इधर नापो, इधर किसी भी तरफ नापो, उतना ही बराबर होगा। देखो, ये मिस्त्री वाला मैंने वो रखा हुआ है, इंची टेप जिसे बोलते हैं, इससे भी मेजरमेंट करते हैं। ये देखो, अगर इसको हम नापे यहां से, तो ये परिधि इधर भी उतना ही हो, इधर भी उतनी ही हो, इधर भी उतनी ही हो, इधर भी, मतलब चारों तरफ उतनी ही होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, सर्कल कहलाएगी। कभी कभी हाथ से हम लोग खींचते हैं, वो वृत्त के रूप का तो होता है, लेकिन वृत्त होता नहीं वास्तव में। समझ रहे हो ना बच्चा, तो आप मतलब की बात समझो। सभी छात्रों से निवेदन है क्लास को ध्यान से देखें, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, लेकिन कमेंट पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ चलो, तो ये क्या है, वृत्त है। मैंने क्या कहा कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, बिंदु पथ का मतलब ये धर्रा। हाँ भैया, ये भी तो क्या है, बिंदुओं का बिंदु पथ ही तो है, ऐसे इसको मिला दो तो सीधा नहीं हो गया, तो वैसे ये क्या है, ऐसे होता है बिंदुओं का, ये बिंदु पथ होता है, उसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। हाँ, और उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। केंद्र मीन्स होता है बच्चा सेंटर, तुम्हारा एग्जाम सेंटर नहीं, मतलब इसका सेंटर वृत्त का। ठीक, समझ में आया ना। वृत्त किसे कहते हैं, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो पथ है या बिंदु पथ है, वो वृत्त कहलाता है, और उस निश्चित बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया आप, देखो यहां समझो, क्या क्या पढ़ लिए, वृत्त आप सीख लिए, वृत्त का केंद्र आप सीख लिए। अब बारी आती है बच्चा वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। रेडियस दिख रहा है ना साइड में, इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, RADIUS ऐसे कुछ होता है, स्पेलिंग मुझे इंग्लिश ज्यादा नहीं आती। वृत्त को सेंटर, वो केंद्र को सेंटर बोलते हैं, सेंटर, और वृत्त को सर्कल बोलते हैं। ठीक है, मतलब की बात समझो। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी क्लास को लाइक करेंगे, आप चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चे के मम्मी पापा हो या दादा दादी हो, क्लास को लाइक करना, आपसे निवेदन है। ठीक है, चलिए, केंद्र को क्या बोलते हैं, सेंटर। अब बात आती है त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र को, यानी कि सर्कल का जो सेंटर है, उसको परिधि से, परिधि मतलब जानते हो, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं क्या,
सर्कमफेरेंस बोलते हैं ना, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। कुछ लोग कहेंगे नीचे की तरफ आता है का, चाहे जिधर को ले जाओ तुम, जिधर को मर्जी उधर को ले जाओ, चारों तरफ ये सभी क्या है, त्रिज्या है। एक बात और याद रखना, देखो परिभाषा में बोल रहा हूं, जो लिखना चाहे वो लिख लें। ये बैलगाड़ी की पहिया बन गई ना, बन गई ये बैलगाड़ी की पहिया, ये सभी क्या है, त्रिज्या है। इनका अच्छा एग्जाम्पल आप, अगर आपके पास साइकिल है तो आज के जमाने में जो बाइक आने लगी है, कार आने लगी, उनमें तो तीली तो होती नहीं है, अब तो दूसरा सिस्टम हो गया। पहले जो साइकिल आती थी उसमें तीली होती ना लोहे की, वो क्या होती है, वो मान लो उस पहिया की त्रिज्याएं हैं, क्या है, रेडियस है। समझ में आया ना। गाना गाना बच्चा, पहले तो नाम बदल लो अपना, तुम तब बात करो बाद में। हाँ अनुष्का जी आपके पास है, अच्छी बात है। देखो तो ये क्या है, इसकी जो मैंने लाइनें खींचा वो क्या त्रिज्या है, ये बताइए। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, किसी एक वृत्त में आप अनगिनत त्रिज्याएं खींच सकते हो। बोलो मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, अनगिनत खींच सकते हो, ठीक है। देखो ये हो गया, आप बात करते हैं क्या क्या सीख लिए, त्रिज्या सीख लिए। एक होता है व्यास, क्या है व्यास, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। व्हाट इज डायमीटर, ध्यान दीजिए व्यास क्या होता है, बहुत ही प्यार से देखना। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो भाई, बच्चे 100 के भी नीचे रहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल अंदर से दिल नहीं करता, ये जान लो, कोशिश कितना भी कर लो निकलता ही नहीं है, तुम लोग चाहते भी वही हो। शेयर करने तुमको शर्म आती है, अंबानी जी की पोता की खुशी में फ्री का टी शर्ट दे रहे हैं तुम उसको, तुम 25 लोग को भेज दोगे और लोग गाली अलग से देंगे, अरे काम की चीज भेजो यार, समझ रहे हो ना, बिना मतलब की चीज वायरल करोगे। अभी कोई नंगा नाच वाला वीडियो आ जाए किसी लड़की का, उसको देखो तुम कैसे भेजोगे सबके पास, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि तुम यही चाहते हो ना, पढ़ाई लिखाई चाहते नहीं। देखो इधर साइड में चलो, ये हो गया, ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो एकदम से कसम खा के बैठे हैं, उनके लिए। व्यास क्या होता है, आपको पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है बच्चा, एक दूसरा फिगर में बना रहा हूं बगल में, यहां देखो साइड में, ये सेंटर है ना, केंद्र है ना, वृत्त के परिधि को एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, समझ गए। वृत्त की परिधि को एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। हाँ हम कुछ भी बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो कड़वी तो होती ही है, कड़वी होती। अच्छा ये बताओ, हाँ इसमें एक और भी है, इसमें एक और कंडीशन है, वो क्या है। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, जैसे मान लो मैंने इसको खींचा, इसका नाम मैंने रख दिया BC, अब क्या बताओ, ये BC भी वृत्त का व्यास है, BC भी वृत्त का व्यास है, बोलो जल्दी से। इसका नाम है AC AD, चलो इसका नाम है RS, समझो मतलब, समझो आप लोग जल्दी बोलो यस या नो। शुक्ला जी इसीलिए तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका दिमाग तेज चल रहा है, थोड़ा धीमे चलाइए। ये जो रेखा मैंने खींचा BC, ये व्यास नहीं है। आप कहोगे ये का है भैया, अभी तो आप बता रहे हो कि वृत्त के एक छोर से दूसरे के छोर को मिला दे तो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, और ये भी तो मिला रही, इसमें कौन सी बुराई, ये काहे नहीं है, ये व्यास इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक छोटी सी टर्म एंड कंडीशन छुपी थी जो तुमने नहीं देखा, मैंने नहीं बताया। हाँ जैसे आप कोई भी ऐप भाई देख रहे हो, ये गड़बड़ हो गया, गिर गया। आपको पता है, देखो कैमरा गिर गया ना, ट्राइपॉड तो मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया कुछ, रुक जाओ थोड़ा सा यार, देखो गजब बेइज्जती हो रही, ये टूट गया मुझे लग रहा है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, ये फिसल गया। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, देखो आफत आ गई, ये पता नहीं कहाँ से मुसीबत आ गई, सीधा करो, रुको एक मिनट रुके रहो, रहने दो उसको, ऐसे रहने दो। देखो यहाँ पर जो हम आपको PDF भी देंगे अब, ठीक है,
नोट्स मैंने बनवाया है, अब आपको पीडीएफ भी मिलेगा इसका, समझ रहे हो ना आप लोग। देखो ये मजेदार एक सेशन हो गया ना बीच में, हाँ बीच में एक मजेदार सेशन हो गया ना, ये गिर गया पटाख दे, मजा आ गई ना। चलो फिर से लगा दिया हूँ मैं, ये फिसल रहा था, हो सकता है थोड़ा देर में फिर से गिरे, तो गिरेगा तो ठीक है, देखा जाएगा, फिलहाल अभी तो ठीक है। हाँ मजा भी आ गई ना, हाँ अच्छी बात है, तुम लोग यही तो चाहते हो कि गिर जाए। चलो ठीक है आगे बढ़ें। मुझे लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही टेढ़ा था, इस वजह से गिर गया, अब नहीं गिरेगा भाई, बार बार थोड़ी गिरेगा, बार बार नहीं गिरेगा। ठीक ठाक चल रहा है ना, आ गए फिर से हम। चलो देखिए आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बताना, आ रही समझ में ना, साइड में लिखा है इसको देखो, आपको समझ में आना चाहिए, हमारी प्राथमिकता यही है, उल्टा हो गया। हाँ तुमको उल्टा दिख रहा है, मुझे तो सीधा दिख रहा है। चलो ठीक है, आकांक्षा रावत जी, राधे राधे, जल्दी स्टार्ट करें, काहे को ट्रेन छूट रही का। हाँ चलो देखो बात क्या हो रही थी, मैंने ये जो रेखा खींचा था BC, ये क्या है, ये वृत्त का व्यास नहीं है, ये वृत्त की जीवा है। क्या है बच्चा, ये जीवा है बाबू, ये समझ रहे हो ना। अगर मैंने एक रेखा और भी खींच दिया इधर, इसका नाम रख दिया EF, ये भी क्या है, ये वृत्त का व्यास नहीं है, ये भी क्या है, जीवा है। समझ में आया ना, आवाज आवाज आ रही कि गिरने के बाद से मामला गड़बड़ा गया। नहीं ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो गिरो उठो और फिर भागो, है ना। तो आप समझ गए, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाने वाली जो रेखा है वो वृत्त का व्यास कहलाती है, लेकिन कंडीशन है कि वो वृत्त के केंद्र को टच करते हुए जाए, ठीक है, वृत्त के केंद्र को टच करते हुए जाए तभी वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, अन्यथा वो जीवा बन जाएगी। ठीक है समझ गए, इसकी इंग्लिश इंग्लिश बड़ी खराब होती है, CHORD ऐसे कुछ लिखते हैं इसको, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, सही लिखा है गलत लिखा है, इसकी इंग्लिश बड़ी खतरनाक होती है भाई, जीवा की, बाकी और की तो मैंने लिख दिया है, सही है ना। चलो तो आगे हम बात करते हैं, अब ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, कुछ क्वेश्चंस भी कराने हैं, कुछ सूत्र भी लिखवाने हैं, ठीक है। सोहेल खान बच्चा, इंटरनेट खत्म हो गया तो क्या चाहते हो, हाँ PBR स्टडी का ब्रॉडबैंड का वाईफाई पकड़वा लो, 4 वाईफाई चल रहा है देखो, पकड़वा लो भाई, अनलिमिटेड इंटरनेट है, पकड़ा लो। चलो अब देखो क्वेश्चंस भी करने चाहिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक मजा नहीं आती, थ्योरी पढ़ पढ़ के सब गड़बड़ हो जाता है ना। सभी के कमेंट आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ो बस, बात ना करो। अब हम बात करते हैं सूत्र की, बाकी चीजों से तो आपको पहचान मैंने करवाई दिया है, अब देखो सूत्र पे चलते हैं। त्रिज्या निकालते कैसे हैं, अगर व्यास दिया है, आप एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि अगर किसी वृत्त का जो व्यास है वो 54 सेंटीमीटर है, कितना है, 54 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये बताओ उसका जो त्रिज्या है वो मीटर में कितनी होगी, बताओ 54 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या मीटर में कितनी होगी। अंजना सोलंकी, क्लास तो हर दिन होती है, बस आप नहीं आती हो, यही दिक्कत है, हाँ क्लास तो हर दिन हम पढ़ाते हैं, ठीक ना, बाद में वीडियो भगवान जाने मिलेगा कि नहीं, तुम लोग डाउनलोड ना करो तो मिले, डाउनलोड करने से मानते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों चुल्ल पड़ी रहती, डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड ना किया करो वीडियो, अगर जब देखो लाइव देखो या फिर बाद में देखो, लेकिन ऑनलाइन देखो, डाउनलोड ना करो तब तो ठीक है। चलो बात करते हैं त्रिज्या की, एक फिगर बना देता हूँ, ये सर्कल है, एक वृत्त है मैंने बनाया अपने हिसाब से, कोशिश किया है कि गोला बने, बाकी नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूँ, रोटी भी तो मुझसे गोली नहीं बनती, टेढ़ा मेढ़ा हो जाती, भारत का नक्शा जैसे बनती है, और ये हर एक स्टूडेंट की कंडीशन है, अरे लड़कों की नहीं लड़कियों की भी ऐसे बनती है, बस कोई कहता नहीं। देखो इधर त्रिज्या, त्रिज्या को आर से लिखते हैं क्योंकि इसकी इंग्लिश रेडियस होती है, आर इक्वल होता है बच्चा D/2, जब वृत्त का व्यास दिया हो,
क्या दिया हो, व्यास दिया हो। देखो यहाँ पे अगर ये वृत्त का एक व्यास है जिसकी लंबाई मैंने लिख दिया मान लो एकदम छोटा सा है 18 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होगा? देखो क्वेश्चंस यहां पर हैं, इनके सोल्यूशन यहां पे करने हैं। हमें क्या दिया है, यहां पर हम लिखेंगे हल, क्योंकि हम एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन करवाएंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। देखो भैया मैथ एक बहुत ही अजीब सा सब्जेक्ट है, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही गड़बड़ भी है, समझ में आया ना? अगर आपको इससे मोहब्बत हो जाती है ना तो ये कभी बेवफा ही नहीं करता, मैथ हमेशा साथ देता है कहीं भी रहोगे तुम, चोरी भी करोगे ईमानदारी भी करोगे हर जगह मैथ का काम लगेगा। अगर बेईमानी करना है चोरी करना है तो मैथ और भी ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जोड़ना घटाना हिसाब किताब नहीं जानोगे तो बेईमानी कहाँ से करोगे, है ना? तो भाई मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो। दिया है वृत्त का व्यास ना, हमने ऊपर फार्मूला लिखा है, इस सूत्र को हम यहाँ पे लगाएंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब छोटे छोटे सवाल करेंगे अगर आने लगेगा तो नींद नहीं आएगी, बाकी मैथ की जो ये दवाई है ना नींद की गोली से ज्यादा काम करती है। उससे पूछो जिसको मैथ नहीं आती, अगर वो मैथ लगाने बैठ जाए तो कितना भी कोशिश करे नींद ना आए, बहुत मस्त नींद आती है, खासकर जब मैथ पढ़ रहा हो। किसको आती है, जिसको मैथ नहीं आती, समझ में नहीं आता, और अगर समझ में आ गया ना तो आंखों में नींदे ना दिल में करार वाली हाल हो जाती है, समझ रहे हो ना? तो कुछ वैसा ही होगा यहाँ पे। देखो फिर मोहब्बत की जगह मैथ लगा देना, ये मैथ भी क्या चीज होती है यार। चलो डी का मान कितना है 18, यहाँ पे 2 रख दो, 2 × 9 = 18 इक्वल कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, है ना? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा ये बताओ, ये जो वृत्त दिया है सर्कल, इसको मैं मान रहा हूं कि वृत्त ही है, इसकी व्यास 18 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी क्या आ गई, त्रिज्या क्या आ गई 9 सेंटीमीटर, तो ये बताओ इसका जो त्रिज्या मीटर में कितना होगा, बताइए मीटर में कितना होगा? लब्बू रावल जी, लब्बू रावला वाला बच्चा, सोनाली के पीछे मत पढ़ो, मैथ पढ़ लो कभी, नहीं तो सोनाली को नाली कोई नहीं मिलेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, समझ रहे हो ना? यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं मोदी रोजगार 2 में शामिल हो जाएं, भैया हम पहले से ही शामिल हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा है नहीं, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी आप देखो वीडियो वगैरह शेयर कर रहे हैं, और वैसे भी आपको पता ये काम जो करता है उसको इंटरनेशनल का ठप्पा मिलता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी बनूंगा इंटरनेशनल, लेकिन आप लोग थोड़ा सा और भी संख्या में हो जाओ तब। हाँ चलो बाकी आप लोग कोशिश करते रहो। हाँ 25 फरवरी को सभी ट्वीट जरूर करना, इसके बारे में बात ही कर ही देता हूँ, ये हैशटैग है, ऐसी बात नहीं, मैंने भी काफी ट्वीट किए हैं। ये देखो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ट्विटर अकाउंट की लिंक भी मिल जाएगी, आप लोग जाके फॉलो कर लेना। ये चीज आप ध्यान देना, ये मोदी रोजगार 2, ये चीज पे जाकर के आप लोग 25 फरवरी को दोपहर 11 बजे ट्वीट जरूर करना सभी, ठीक है? इसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बनाया हूं, लेकिन मैंने काफी कुछ शेयर किया, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी हमारे जो बड़े बड़े गुरुजन लोग हैं काफी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भाई स्टूडेंट का दर्द स्टूडेंट ही समझता है, बेचारे की अपनी गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ शादी कर लेती है बेरोजगारी के कारण, सोचो कितना दर्द होता है। ये ज्यादा आसान भाषा में आपको समझ में आएगा, बाकी और बातें कम समझ में आएंगी, है ना? चलो क्यों कर लेती है, क्योंकि कहती है तुम तो बेरोजगार हो, तुम्हें तो नौकरी मिलेगी नहीं, तो मतलब क्या है फिर? इसको कर लोगे अपना हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरह के अगर मैं एक और भी क्वेश्चन देता हूं तो आप लोग कर लोगे ना, जिनको जाना है निकल लो बेटा, किसी को जबरदस्ती थोड़ी लाया हूं। हाँ जिनको गर्ज है देखो, मैं यही बोलूंगा और आगे क्या बोलूं। चलो ये देखो एक वृत्त है, क्या है, एक सर्कल है, और इसका जो व्यास है डी, इसका मान दिया है 108 मीटर, किसमें दिया है 108 मीटर, ठीक है? तो बच्चा आपको इसका त्रिज्या बतानी है, और त्रिज्या किसमें बतानी है पता है, सेंटीमीटर में। चलो बताओ देखते हैं कौन कौन बता लेता है त्रिज्या बराबर, ये बताना है सेंटीमीटर में, याद रखना वृत्त का व्यास दिया है 108 मीटर में दिया है, और तुमको सेंटीमीटर में बताना है, किस में बताना है, सेंटीमीटर में। विकास कुमार ठीक है, अच्छी बात है बच्चे कोशिश करते रहो। चलो मैं इधर साइड में मिटा देता हूँ, गिरना नहीं भाई दोबारा से, कुछ ज्यादा ही
नीचे खिसक गया था, इस वजह से गिरा, चूंकि बैलेंस डिसमिस हो रहा था, फोन भारी है, ये तो शुक्र मनाओ इस पे गिरा नहीं, उधर नहीं गया यार, इसमें ग्लास भी नहीं लगाया, फूट जाएगा ये, कल मुझे ग्लास भी लगवाना पड़ेगा। कितना आएगा देखो बच्चा, 5400 आएगा, ठीक है हाँ सही है क्या, 5400 सेंटीमीटर आएगा, मीटर में ना, सेंटीमीटर में निकालना है, नहीं अब नहीं गिरेगा ये, कुछ ज्यादा ओवर हो गया था इसलिए गिरा था। चलो देखो अब समझो, समझो मतलब की बात समझो, ये है व्यास, d इक्वल दिया 108 सेंटीमीटर, मीटर में है, मीटर में ये फार्मूला लगाओ, सूत्र होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे दो, ठीक है, इसे शॉर्टकट में आप लिख सकते हो r इक्वल d अपान टू, क्या लिख सकते हो r इक्वल d अपान टू लिख सकते हो, तो d का मान कितना है 108, और दो रख दो नीचे, काटोगे दो पंचे दस, दो चौक आठ, यानी r का वैल्यू आएगा 54 मीटर, क्या आएगा मीटर। अब ऐसे आपको इसको नहीं लिखना है, ठीक है समझ रहे हो ना, इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्या करना बच्चा सेंटीमीटर में चेंज करना है, बहुत ही आसान है, सभी एक स्वर में जल्दी से बता दो, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बताइए, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, जरा कोशिश कर लो ना, जाता क्या कोशिश करने में, तो कोई नहीं कुछ नहीं जाता, कितना 100 ना, रोस्टर रिंकल, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, चलो उज्मा रमेश विकास, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो 100 होता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, r इक्वल 54 को 100 से मल्टीपल कर देंगे, गुणा करना बहुत आसान है, दोनों सुन्ना उठा के यहां पे लाके पटक दो, और ये 54 का 1 में गुणा कर दो, किसी भी संख्या से अगर हम 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है फाइनल में बच्चा, यहां पे लाके सेंटीमीटर लगा दो, 5400 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है पवन राज जी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई कर लो भाई, हाँ पढ़ाई कर लो यार। चलो इसको थोड़ा किनारे खिसकाता हूं, क्योंकि इधर साइड में जगह रोक रहा है, ये हो गया। अच्छा ये बताओ आप लोग, वृत्त का परिधि क्या होता है, फार्मूला जानते हो, वृत्त की परिधि क्या होती है कोई बताएगा, और एक बात और बताओ, ये सब मैं बताऊंगा, अगर नहीं बता पाओगे तो टेंशन मत लेना, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल और परिधि क्या, ये सब कुछ एक है या अलग अलग है, हाँ क्या कहते हो आप, चलो बताओ, देखो यहां पे समझो मतलब की बात समझो, जाने दो और सब छोड़ दो, मारो गोली इधर देखो, चलो यहां देखो 2πr, परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहां तक दिख रहा है, दिख तो यहां तक रहा है, तो ये लो ठीक है दिख रहा है तो दिखने दो, ये क्या है सर्कल, संयोग बस इतना अच्छा बन गया, ऐसा मैंने कभी बनाया नहीं था, संतरा बना है कि नींबू बना है कि अंडा बना है क्या बना भगवान जाने, लेकिन मैंने गोला बनाया है। देखो ये क्या है, वृत्त है, वृत्त की परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाने दो छोड़ो इंग्लिश मत पढ़ो, हिंदी में ही पढ़ो, काहे कट गया भाई कमेंट, इसमें मुझे दिख रहा था पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस बोलते हैं बच्चा, ठीक है पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है, देखो एक चीज समझ लो, गोला नहीं बोलते हैं, गंवार वाली बात ना किया करो भाई, हाँ कि गोला गोला गड्ढा की बात नहीं हो रही, यहां देखो समझो, पहले सर्कमफेरेंस बोलते हैं, हम क्या पूछ रहे थे कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है ना, वृत्त की परिधि, परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है दो तरह से, देखो पहले आखिर वृत्त की परिधि है क्या, मैं आपसे कैसे यहां पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, कोई गोला चीज लेके आऊं, रोटी बेलने वाला लेके आऊं क्या, चौका बर्तन क्या होता है, हाँ जाने दो चलो छोड़ो, वैसे समझ लो आप लोग काफी समझदार हो, जैसे एक टेबल है, एक टेबल है, हाँ टेबल पर एक सिक्का ले लो या कोई भी गोली एक वस्तु ले लो या कंगन चूड़ी ले लो और उसमें कहीं एक जगह चिन्ह लगा दो, हाँ समझ रहे हो ना, उसमें कहीं एक जगह चिन्ह लगा दो और उसको खिस घुमाओ एक तरफ से दूसरे तरफ तक, और तब तक उसको घुमाते जाओ, जैसे मान लो यहां मैंने चिन्ह लगा दिया और यहाँ टेबल पर रख दिया सीधी रेखा पर, तो यहां से मैंने घुमाना शुरू किया ऐसे 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 ऐसे, तो तब तक उसको घुमाओ जब तक ये चिन्ह लगाया हुआ भाग दोबारा से घूम के फिर से आके उसमें न टच कर जाए, और जितनी दूरी ये चलेगा वो क्या कहलाएगा, उसका उसका
परिमाप कहलाएगा या परिधि कहलाएगा। आपको समझ में आया? कुल मिला के ये समझ लो मोटा मोटा कि ये जो चारों तरफ का भाग है इसके, देखो यहां से मैं कहीं से शुरू कर रहा हूं, एक तरफ से देखो, ये यहां से, यहां से ये जो भाग है इसके किनारे किनारे ये क्या है? परिधि है। क्या है ये? परिधि है। ये क्या बच्चा? परिधि है। ठीक है, समझ गए ना? ये क्या है? परिधि है, मतलब जो चारों तरफ का भाग है। अगर किसी वृत्त की परिधि या सर्कमफेरेंस नापना है तो कैसे नापोगे आप ये बताओ, कैसे नापोगे? इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि भैया इससे नहीं नाप पाओगे। हाँ, इससे तो तुम नाप नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये इसे होगा ही नहीं, टूट जाएगा, हाथ हाथ फट जाएगा। इसको नापने के लिए आप किसी धागा पे नाप सकते हो, है ना, समझ रहे हो ना? किसी धागा से नाप सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको तोड़ डालो, बीच से काट के फैला दो, जैसे ऐसे समझ लो। मैं कैसे आपको बताऊं, एक मिनट सुनो, इधर सुनो। जैसे ये है नमूना सा, ये देखो, जैसे मान लो इसका मैं सर्कल बना दूं, तुम समझो, इधर साइड में समझो, बहुत ही ईमानदारी से समझना, सारा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, चाहे हो जाए जो, ये टूट जाएगा तब भी ठीक है, 50-60 रुपए लगेगा, मैं दोबारा ले आऊंगा, लेकिन तुम समझ जाओ बस। देखो ये मान लो मैंने बनाया सर्कल, ये सर्कल तो बन नहीं रहा है, काहे को भाई मुंह बना रहे हो, देख लो काहे जा रहे हो, देखो भाई रुक जा, ये बन रहा है ना। अगर हमें ये इस तरह का मान लो एक वृत्त मिल गया, ये क्या वृत्त है, इसको मान लो तुम कि गोला है, बाकी ये गोला हो नहीं रहा है वो अलग बात है, अब ये मान लो गोला है, ठीक है। अगर हमें इसको नापना चारों तरफ से कि ये कितना गोला है, इसकी साइज क्या है, तो क्या करेंगे पता है? पता है क्या करेंगे? हम इसको खोलेंगे, ऐसे ऐसे तोड़ देंगे बीच से, और ऐसे फैला देंगे इसे, ये आप नाप सकते हो ना कितना है, 1 मीटर था ना ये, हाँ कितना था मैं दिखा रहा हूं, ये 2 फीट था, इतना कितना था, 2 फीट था, समझ में आया? मतलब उसको नापने के लिए क्या करेंगे, उसको बीच से एक तरफ से काट के फैला देंगे, तब नाप सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं नाप पाएंगे, गोला गोला कितना है। और इसी को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ समझ में आई ना। चलो देखो ये क्या होता है, परिधि, परिधि को ही परिमाप कहा जाता है एक प्रकार से, ठीक है। तो हाँ, इसका सूत्र क्या होता है बच्चा? इसका सूत्र होता है 2πr या पाई डी, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप, सर्कमफेरेंस या पेरिमीटर, दोनों एक ही मतलब होता है, 2πr या पाई डी होता है। डी का मतलब होता है डायमीटर यानी कि व्यास, और आर का मतलब रेडियस यानी त्रिज्या। अगर डी रखोगे तो फिर 2 नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या है वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है, समझ में आया? आया समझ में? चलो, तो अगर किसी वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चा, ये सर्कल है, देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हुए थे, आप लोग बताओ कहाँ गया ये, छोटा छोटा लिखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो एकदम छोटा से ले लो, 14 मान लो, ये मान लो 14 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ वृत्त की परिधि कितनी होगी, बताइए, जवाब दीजिए कितना होगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सर्कमफेरेंस बोलते हैं बच्चा, धर्मेंद्र शर्मा जी, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो चलो सूत्र लगाते हैं साइड में ला करके, इसको इधर साइड खींच लो। हमें क्या दिया है इसका, हमें दिया आर का मान दिया है, मतलब त्रिज्या दिया गया है। हम सूत्र लगाएंगे परिधि बराबर, एक जगह इधर फिर से लिख लेता हूं, कौन सी बड़ी बात है, 2πr, 2π, पाई का मान 22/7 रख दो, काट देना, चूंकि r का मान 14 है, आसान है, 7 × 14 कट जाएगा, 2 × 4, 4 × 8, 4 × 8 सेंटीमीटर। याद रहे यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाओगे, क्या करोगे, स्क्वायर नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है कुर्मी जी, अभी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, अभी ब्लॉक कर देंगे, तो फिर तुम ये मत कहना मुझे ब्लॉक काहे कर दिया, इसलिए समझ जाओ काहे लिए। हाँ चलो, ये हो गया 88 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, ये बताओ अगर किसी वृत्त का ये त्रिज्या के बजाय उसमें व्यास दिया है, और व्यास कितना दिया है बच्चा, 28,
28 सेंटीमीटर दिया है, तो बताइए कितना आएगा इसका, कितना आएगा इसका पेरीमीटर या फिर इसका परिधि कितनी आएगी, बताओ बदलेगा या वही रहेगा, बोलो यस या नो, चेंज होगा यस या नहीं चेंज होगा, नो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें, क्यों पता है, इसमें चेंजिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि चाहे तुम कान को इधर से पकड़ के ऐसे खींचो और चाहे इधर से पकड़ के खींचो, दर्द होगा ना, मतलब पिराएगा, देसी भाषा में बोलते हैं ना, हाँ चलो अब समझ गए ना, तो चाहे तो इसको 28 रखो और व्यास मान लो, देखो एक्चुअली ये होगा, फिर ये फार्मूला लगेगा, ये वाला पाई डी वाला लगेगा, तो पाई का मान 22 बटा 7 गुणा 28 रखोगे बच्चा, इसको काटोगे 4 आ गया, गुणा करोगे तो फिर से 88 आएगा ना, कितना आएगा 88 आएगा ना, मतलब चाहे तो ये सूत्र लगाओ चाहे तो ये लगाओ उत्तर वही आएगा। कुलदीप सिंह आ रहा कुछ समझ समझ में, नोट कर लीजिए, जितने भी हमारे नए मेहमान जुड़े हैं, नए साथी जुड़े हैं, नए फ्रेंड जुड़े हैं, दोस्त जुड़े हैं, बाबू राजा जुड़े हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री है, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर एक बार टच करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि बिल्कुल फ्री सीख सकें और घर बैठे सीख सकें, चाहे घर में बैठे हो, किचन में बैठे हो, बेडरूम में बैठे हो, बाथरूम में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो पढ़ सकते हो कहीं से भी, चलो ठीक ना। तो ये हो गया वृत्त का परिधि, समझ गए ना आप, और अगर इसका बोला जाए परिमाप तो क्या होगा, इसका परिमाप भी वही होगा, वृत्त का परिधि या परिमाप दोनों एक ही होता है, क्यों, देखो परिमाप मैंने आपको बताया कि किसी भी आकृति के चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं, तो भैया इसमें चार भुजा तो तुमको मिलेगी ही नहीं, हाँ इसमें चार भुजा तो मिलेगी नहीं, जैसे देखो अगर मैंने एक वर्ग बनाया होता तो तुमको दिखता कि इधर एक भुजा है, इधर एक है, इधर एक है, इधर है, चार भुजा है ना, लेकिन ये में कहाँ चार भुजा ढूंढोगे, इसमें तो सब एक के तरफ है ना पूरा मिला के, हाँ तो चाहे तो हम इसको ऐसे ऐसे जोड़ें या फिर इसको गोला कर दें तो चारों तरफ जोड़ें, तो ये समझ लो वृत्त की परिमाप या परिधि दोनों का मतलब एक ही होता है, समझ गए ना, जैसे हिंदी में भाटा बोलते हैं, इंग्लिश में बैगन बोलते हैं, क्यों यही है, हाँ तुम लोग को समझ में नहीं आएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ, एक्चुअली मैंने ब्रिंजल बताया आपको, ब्रिंजल सुना ना आपने, हाँ सुना है ना, चलो चलो बात करते हैं, मतलब की जाने दो, भाटा बैगन ब्रिंजल की बात ना करो, ये समझ गए, तो आप ये याद रखना कि वृत्त का अगर कहीं आपको परिमाप निकालने को कहा जाए तो तुम इनडायरेक्ट रूप में समझ जाना कि हमें परिधि निकालना है, क्या निकालना है, परिधि निकालना है, ठीक है प्रद्युम यादव जी, ठीक है बहुत अच्छी बात है कि तुम आ गए, तुम्हें को तो हम खोज रहे थे इतने लोगों में, लाखों लोगों में, कि तुम कहाँ चले गए आज, चलो हो गया, तो अब आप समझ गए, एक और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लो, चलो लिखो, जी डी मौर्य जी देख सकते हो, अगर आप ऑनलाइन देखोगे तब, वीडियो को डाउनलोड नहीं करोगे तो बिल्कुल देख सकते हो, है ना, भाटा का भरता कौन कौन खाया है बताओ, खाए हो तुम लोग कि नहीं, हाँ खाए हो, अच्छा लगता है ना, चलो ठीक है दोबारा फिर से खाना, ज़्यादा नहीं खाना लेकिन महंगाई बढ़ रही है, अब चलो आगे लिखो, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये इतना 595 सेंटीमीटर है, बहुत बड़ा आएगा करके देखना, मैं नहीं बताऊंगा लेकिन अब इसको नहीं बताऊंगा, चलो 595 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका क्या निकालना बच्चा, इसका क्षेत्रफल निकालना है बबुआ, चलो बता दो, हाँ कोशिश कर लो एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखो, मैंने बहुत सारे सवाल तुम लोगों के लिए लिखे थे लेकिन तुम लोग करवाने नहीं दी ना, लगाने नहीं दी, अगला बताओ, एक सर्कल है, सब कुछ देखो सामने, देखो हमारी कोशिश है डिजिटल बोर्ड आ जाए तो सब दिखाएगा सामने, इधर उधर का लफड़ा नहीं करना पड़ेगा, चलो फिलहाल कोशिश करते हैं, ये वृत्त है
इसका त्रिज्या जो है बच्चा वो 14 सेंटीमीटर है बाबू, कितना है 14 सेंटीमीटर, तो ये बताओ इसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा बताइए, जल्दी करिए फटाफट। मिस्टर सोहेल खान पढ़ाई कर लो, प्रयागराज से हैं, कुंभ नगरी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, समझ गए ना। एरिया, एरिया क्या करना है आपको, फाइंड करना है। कैसे करोगे, अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था बच्चा, पाई आर स्क्वायर बताया था ना, कोई बताएगा। देखो भाई रॉक स्टार रिंकल जी ने कमेंट कर दिया इसका आंसर, बहुत अच्छे भाई रिंकल जी, मान गए कि आप काफी महान हो, लेकिन तभी महान हो तुम जब तुम कैलकुलेटर से गुणा नहीं किए हो तब, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रिंकल साहब कैलकुलेटर से गुणा ना करें। हाँ पाई का मान 22/7 और आर, आर का मान 14 है, तो ये 14 दो बार रखोगे, हाँ 7 से काट दो, दो आएगा बच्चा फाइनल में, 28 × 22 आएगा, 28 दूना कितना होता है 56, हासिल है 5, और 28 दूना 56, 56 5, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। हाँ छाप लो, आया समझ में। अंजना सोलंकी जी उसके लिए काफी पैसा लगेगा, 2 लाख रुपए लगेगा कम से कम। अभी मैं अगर बोल दूं कि भैया तुम लोग एक काम करो, चंदा जुटा दो, बोर्ड लगवाना है, सबकी नानी मर जाएंगी, मुझे पता है कोई 5 रुपए भी नहीं देगा, वो मैंने देखा है बहुत दिन पहले, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, जब हो जाएगा जुगाड़ तो लग जाएगा। देखो इधर ये 616 यहां पे मैंने नीचे लिख दिया था, इसलिए दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने ऊपर किया, ठीक है चलो लिख लो। राधिका कुमारी जी कमेंट आपका आ रहा है, ठीक है चलो जल्दी करो लिख लो सभी बच्चे फटाफट। ये हो गया, हो गया लिख लिए, चलिए मिटाते हैं। इस तरह से अगर इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करें, अगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें तो क्या होगा, यहां पे देखो सब पैसा दे रहे हैं, चलो ठीक है बोलेंगे, सोचते हैं। देखो एक्चुअली बात ये है ना, हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि मान लो आप लोगों से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हमारे, मुझे पता है कुछ ना कुछ देंगे, 4-6-10 हजार आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा यार, कम से कम 2 लाख लगेगा, ठीक है कम से कम 2 लाख लगेगा, तो हमारे बच्चे जो एक्टिव हैं वो बहुत कम हैं, समझ में आया ना, इस वजह से हम खुद से व्यवस्था करेंगे, फालतू फ्री वाला का ठीक नहीं है, बाकी हाँ देखेंगे अगर हो जाएगा कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलो आगे चलें। इतना हो गया, अब एक और बताओ भाई, जिनको बोरिंग लग रहा है तुम लोग कुछ मेरे मुंह से मत बोलने को मजबूर करो, हाँ समझ रहे हो ना, लिखो ध्यान दो इधर साइड में। उस वृत्त का व्यास दिया है, कितना दिया है, ये व्यास दिया है डी इक्वल 42 सेंटीमीटर, तो ये बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, चलो बताओ हाँ कितना होगा बताइए, आप जिनको बोरिंग लग रही है उनको गाली दिला दूं क्या तुम लोगों से, हाँ जाने दो छोड़ो, अच्छी बात है कहना चाहिए भाई, अधिकार है जिसका कहना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो कितना आएगा, 42 दिया गया है, 42 क्या दिया गया है सेंटीमीटर, चलो जिनको जिनको देना है ऊपर नंबर दिया गया ना उस पर संपर्क करना, ठीक है ऊपर के नंबर पे संपर्क करना, दिन में बताया जाएगा। 1386 बता रहा भाई कोई, सूरज सिंह कितना है, मिस्टर कार्तिक, रॉक स्टार, सोहेल खान, मंजू, राधिका, 2 दिन से देख रही हैं राधिका जी, बहुत अच्छी बात है, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आप हमेशा देखते रहिए। चलो ये 42 है ना, इसमें क्या करना है बच्चा, आपको क्षेत्रफल निकालना है बबुआ, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये पाई आर स्क्वायर ना, पाई का मान 22/7 और ये 42 × 42 मतलब 42 × 42, इसको काट दो 7 × 42, फाइनल में सबका गुणा करो, सबका मल्टीपल करो कितना आएगा,
अरे गुणा भाग तो करना तुम लोगों ने सीखा नहीं है कभी जिंदगी में, तो मैं क्या करूं? हाँ, अब इतने बड़े खच्चर तो नहीं हो तुम कि मैं गुणा करना बताऊं। ये लो, मैंने इसको अलग स्टाइल में लिख दिया। फाइनल में 1386 आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना नहीं भूलना। देखो जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर जरूर लगाते हैं, ठीक है? शुक्ला जी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अपने साथ साथ और स्टूडेंट का भविष्य चौपट मत करिए, ठीक ना? टाइम वेस्ट होगा तो सबका होगा, 100 से ज्यादा स्टूडेंट हैं तो हम ये नहीं चाहते सबका टाइम जाए। चलो ये हो गया, जल्दी से छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सामने से हट गया हूँ, ये हमारे सामने पे डिस्प्ले में दिखता है कमेंट, इसलिए मैं नीचे इसमें झांकता रहता हूँ, आप लोगों का कमेंट देखता रहता हूँ, ऐसे कमेंट भाग रहा है। हाँ समझ रहे हो ना? चलो अच्छा एक बात और बताओ, अगर इसकी त्रिज्या को बदल दिया जाए, त्रिज्या सोच समझ के देनी पड़ती है, नहीं तो ऐसी त्रिज्या दे दो कटवे ना करे तो क्या होगा? हाँ ऐसी त्रिज्या दे दो कटे ही ना तो फिर कहोगे तो आ ही नहीं रहा है। चलो एक और बताओ, अगर इसकी ये चीज त्रिज्या को मैं चेंज कर देता हूँ, या व्यास बोलो या त्रिज्या, ये गलत है क्या यार? एक मिनट रुको, इसमें डी दिया गया था ना 42, इसमें आर 42 होना चाहिए तब ठीक है। अगर डी 42 दिया था तब तो ये गलत लगाया हम लोगों ने, ठीक है? समझ में आया ना? एक मिनट समझ लो, जो बच्चे अभी देख रहे थे ध्यान से समझ लें। अगर यहाँ पर डी का मान 42 दिया होगा तब गलत है ये सवाल, तब ये सवाल गलत है। यहाँ पे आर का मान 42 दिया होगा, ठीक है? प्रमोद जी आ रहा है समझ में? देखो मुझे अभी ध्यान आया, चूंकि वहां पे कुछ और लिखा गया था क्या, हमने तो यहाँ 42 रखा है इसलिए ये गलत होगा। ये चूंकि इतना लंबा जाएगा नहीं, उतना नहीं आएगा, ये 1346 नहीं आएगा, ये 1346 नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा। यहाँ पे समझो पहले, देखो थोड़ा सा ये लोग डिस्टर्ब भी कर देते हैं ना, अलग टाइप के आके थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। ये 1386 तो आएगा, ठीक है? ये सवाल एक्चुअली कुछ ऐसे था, दोनों चीज मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे डी दिया था, दोनों चीज समझ लो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। ये डी अगर इतना दिया है ना तो हमें पता है कि R बराबर होता है डी बाई टू, यहाँ पे समझो तो R बराबर 42 अपॉन 2, ये आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, तो फाइनल में ये 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 से काट दो, 7 3 21, तो ये 22/63, अब ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। समझ में आया ना? ये चीज आएगा। और हाँ, जो मैंने अभी किया था उसको भी हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 22/7 गुणा यहाँ पे त्रिज्या 42 मान लेते हैं तो अलग आएगा, ये 7 से काटो 6 आएगा, गुणा कर दो 6 × 12 और 6 × 12 = 13, इसका गुणा कर लो 42 का, ये थोड़ा बड़ा आएगा। समझ में आया ना? आया ना सभी को समझ में? तो देखो इसलिए बोलता हूं कि क्लास को पूरा देखा करो, ये नहीं कि मैंने थोड़ा सा किया भाग गए तुम निकल लिए। इसका गुणा कितना आएगा बताइए? गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है बच्चा, ठीक है? अगर ये डी का मान अगर यहां पे दिया है इस तरह से तो ये क्षेत्रफल का ऐसा ही है। अगर आर का मान दिया है यहां पर, R बराबर 42 दिया होता तो ये सही है, दोनों ठीक है। समझ में आई ना बात? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान देना। देखो ये जितना भी कंसेप्ट वाली बात थी आज हमने क्लियर कर दिया सर्कल में ना, बोलो हो गया कि नहीं? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, केंद्र, परिमाप, परिधि, सब कुछ बता दिया मुझे लगता है, लेकिन कुछ सूत्र मैंने शायद नहीं लिखे ना। हाँ अच्छी बात है, तुम लेट हो गए बच्चा, बहुत अच्छी बात है, तुम अच्छे बच्चे हो ना इसलिए तो लेट हो गए, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो जो बच्चे लेट हो जाते हैं ना सबसे अच्छे होते हैं, अब तुम लोग कोशिश करो ना तुम भी लेट हो जाया करो, जिससे पढ़ो लिखो मत, लिखो। यदि R इक्वल 231 दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। चलो बताओ, सबसे पहले कौन बताता है मैं देख रहा हूं,
जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। ये पहला क्वेश्चन है, आर का मान दिया है आपको, क्षेत्रफल बताना है, परिमाप बताना है। परिमाप का मतलब बच्चा आपको परिधि बतानी है, ठीक है, और क्या बताना है, और भी कुछ निकालने का। हाँ, डी का मान यहाँ पे बता दो, व्यास भी बता दो कितना आएगा। परिमाप को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को ए से मतलब एरिया, पी से क्यों, क्योंकि पेरीमीटर होती है इसकी इंग्लिश। रॉक स्टार रिंकल ने बता दिया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कोई एनीवन? कमेंट बड़ा छोटा दिख रहा है यार तुम लोगों का, एक ही बड़ा सा मोबाइल ले आऊं क्या? प्रभात यादव जी, कमेंट आपका आ रहा है, ठीक है, चलिए जल्दी करिए, कोशिश करिए, फटाफट कोशिश करते रहो तुम लोग भाई, छुप के मत बैठा करो, बहुत तेज से गुस्सा लगती, कुछ तो ऐसे नालायक बैठे रहते हैं फोन लेके, ऐसे ऐसे सोते रहते हैं, वो कमेंट ही नहीं करते। हाँ, ऐसा लग रहा है पढ़ रहे हैं बस, मैथ पढ़ रहे हैं। उनको जगाने के लिए कभी कभी मैं बहुत तरह से बोलता हूँ कि जग जाओ, सो मत। गोलू मिश्रा जी ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, हरिओम। देखिए, आर का वैल्यू दिया है, सबसे पहले हम निकालेंगे क्षेत्रफल, इधर साइड में दिख रहा है आपको, तो चलो लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल पाई आर का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 231 गुणा 231। अब गुणा करोगे तुम लोग, मैं नहीं लगाने वाला हूं, ठीक है। सोनल जी वीडियो दोबारा देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। इनको काटो, 7 से काटो, 7 3 21 बचेगा कितना, 2 हो जाएगा, फिर से 21, 7 3 21 22 का गुणा कर लो 33 में, और 33 का गुणा कर लो 231 में, सब गुणा करके बताओ। मैं नहीं करूंगा इसको, क्योंकि तुम लोग गुणा भाग तो कर ही लो कम से कम। हाँ, फार्मूला के साथ पहले लिख दीजिएगा। विकास जी मैंने लिख दिया, प्रीतिका जेराई जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल से शुक्रिया। जल्दी नोट करिए फटाफट, उस वृत्त का क्षेत्रफल ये यहाँ पे आ चुका है जिसका त्रिज्या 231 है, ठीक है। अंजना सोलंकी जी बिल्कुल सब कुछ आएगा, लेकिन आप रेगुलर पढ़ोगी तब। कितना है इसका, पहले मल्टीपल करके बताओ, तुम लोग बहुत नालायक कुछ नहीं करते हो। कितना है, 1,67,706। और कोई एनीवन? ये सही बता रहा है, गलत बता रहा है भाई, ये अक्सर गलत ही बताता है। चलो और कोई एनीवन? अनुष्का शुक्ला, तुम्हारा तो अलग दिशा में जा रहा है। हाँ पीयूष, कोई भी बता दे कोशिश करके, मैं खुद ही करूंगा, जल्दी बताओ। 22, 33, 231 कितना आएगा? मैं दिख रहा हूं कि नहीं, अगर मैं दिखूंगा तो बोर्ड नहीं दिखेगा, बोर्ड दिखेगा तो मैं नहीं दिखूंगा, तो मैं क्या करूं? चलो जल्दी करो फटाफट। ठीक है, हो गया ना, सभी कर लिए, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये इतना आएगा ना, अब बुढ़ा भाग तो आप लोग कर ही सकते हो, लेकिन यहां पे ध्यान रहे सेंटीमीटर का स्क्वायर जरूर लगाना, सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना, चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। कैलकुलेटर से कर लो, ऐसे नहीं आ रहा तो कैसे भी कर लो, चलो। हाँ, लेकिन इसका ट्रिक भी मैंने बताया है, 2 अंकों 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करने का, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। बाद में कमेंट करना, वो ट्रिक वाला वीडियो दे दिया जाएगा कि इन गुणा को, मल्टीपल को आप चुटकियों में कैसे करें। अच्छा ये बताओ भैया, परिमाप कितना आएगा, पेरीमीटर कितना आएगा इसका? हाँ, देखो परिमाप को बोलते हैं परिधि, अभी मैं अच्छे से बता चुका हूं, आयत या वर्ग में परिमाप होता है, लेकिन वृत्त में क्या होता है, वृत्त में परिमाप की जगह परिधि होती है। तो बच्चा वो परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है, या फिर पाई डी, क्या होता है पाई डी। तो यहां पर जब आप मान रखोगे तो 2 × π का मान 22/7, आर का मान 231 कितना आएगा ये? हाँ कितना आएगा, जरा कोशिश कर लो एक बार, मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। 7 से काट दो, 7 3 21, 7 3 21 फाइनल में आएगा 44 / 33। अब बूढ़ा कर लो इसका, तो तुम लोग कर ही लोगे।
शुभम राय कितना आएगा मल्टीपल करके जल्दी से बता दो सभी बच्चे, फटाफट देर मत करो। 1445 अनुष्का शुक्ला, आपको थोड़ा बहुत आता है कि नहीं? एकदम नहीं आता का? अरे कम से कम सही गुड़ा करो, कैलकुलेटर से कर रही हो तब तो सही करो। 1452 आएगा, 45 नहीं आएगा। चलो किसमें आएगा? सेंटीमीटर। याद रहे यहां पर स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि यहां पे आर सिर्फ एक बार आया है। अगर आर एक से अधिक बार आता तो क्या लगता? तब यहां पर स्क्वायर लगता। लिख लीजिए जल्दी करिए फटाफट। नेहा जी बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। चलो अच्छा, अब हम थोड़ा सा और भी अलग करते हैं, कुछ चेंजिंग करें क्या? बताओ आप लोग चेंजिंग करें। लो आप इसमें कमेंट कर दो इन लोगों को। करने दो, ये कमेंट कर दो, लाइक शेयर वाले लोगों को जल्दी जल्दी। चलो आगे बढ़े, आप कर लोगे आप लोग। अच्छा एक और बताओ, एक और बताओ। यहाँ पे देखो ध्यान दो, बहुत ही ईमानदारी से देखो, प्यार से देखना। एक क्वेश्चन है जिसका त्रिज्या 294 है, आर का मान है 294, बताइए डी का मान बताइए और परिधि बताइए। यदि त्रिज्या 294 सेंटीमीटर है तो डी बताइए किसमें? मीटर में। अब मीटर में बताना, याद रहे किसमें बताओगे? मीटर में। सेंटीमीटर में है ये, इसको मीटर में बताना है। परिधि बताओ, इसको भी मीटर में बताना। क्षेत्रफल बताओ, इसको भी मीटर में बताना। देखो त्रिज्या दी गई है सेंटीमीटर में, बाकी चीजें आपको मीटर में निकालनी है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखो पहले तो आप त्रिज्या को लेकर के उसको मीटर में चेंज कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में सेंटीमीटर वाला करोगे तो गुणा भाग बड़ी 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 करनी पड़ेगी, लंबा लंबा हो जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चा? हाँ समझ रहे हो ना आप? चलो फिर देखो क्या करोगे, क्षेत्रफल निकालोगे। क्षेत्रफल होता है ए इक्वल पाई आर स्क्वायर, ए मीन्स एरिया, पाई का मान 22/7, आर का मान बच्चा 294 दिया है, हमें पता है एक मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और एक सेंटीमीटर में क्या होता है 1/100 मीटर होता है। क्या होता बच्चा? 1/100 मीटर होता है। तो जब हम क्या करेंगे पता है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 1/100 से इसको भाग करेंगे किसको, अरे ये कहाँ गया, 1/100 294 को गुणा करोगे, दो अंक पर दशमलव लगेगा, 2.94 आएगा। कितना आएगा? 2.94 ना, तो यहां पर हम रखेंगे 2.94 इंटू 2.94, तब हमारा जो उत्तर आएगा वो मीटर में आएगा, डायरेक्ट किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, ये लड़के ही नहीं होते हैं भाई, लड़कियां भी उनसे ज्यादा आगे होती हैं, मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ कमेंट। चलो आप लोग बार बार कमेंट पेस्ट करिए, क्या कर रहे हैं आप, इतना देर लग रहा है, पेस्ट करिए बार बार, कई बार करिए। देखो इसको काटेंगे कितना आएगा, 7 से 7 चौक 28 बचेगा, 1 7 2 14 4.2 आएगा, हाँ नहीं 0.42 आएगा ना, कितना आएगा 0.42 आएगा, ये गलत है, ये 4 दशमलव नहीं आएगा। देखो एक्चुअली ऐसा क्यों होगा पता है, देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन में होंगे, जैसे मैंने लिख दिया ये इतना आएगा, क्यों आएगा? अगर मान लो कि हमें 294 को 7 से भाग करना होता तो ये हो जाता है 7 चौक 28 7 14, यहां पर दो अंक पर अगर दशमलव है तो दशमलव यहां लगेगा ना, तो 0. कितना आएगा, 0. कितना आएगा, 42 आएगा। ठीक है चलो, तो फाइनल में कितना बनेगा, कोई बताए एनीवन आंसर बताए फाइनल में। चलो बच्चा ये 22 का गुणा करोगे 0.42 एंड 2.94, इन सब का मल्टीपल करके बताओ मुझे कितना आएगा।
चलो जल्दी से देखते हैं, सबसे पहले कौन बता लेता है? अनुष्का शुक्ला, तुम्हारा तो एकदम गलत है, पूरा गलत है। ये मुझे लग रहा है जानबूझ के सब गलत कर रहे हैं कि भाई इनका नाम बोला जाए बस बस, और बाकी कुछ हो या ना हो। हाँ कुछ तो पढ़ो, कम से कम दिखाने के लिए ही पढ़ो ना। वो क्या है, कौन सा ऐसा गाना है, प्यार झूठा सही तू दुनिया को दिखाने ही आजा, किसी और से मिलने के बहाने ही आजा, ऐसे है ना एक गाना, सुने आप लोग? तो भाई पढ़ो, चाहे झूठे ही पढ़ो ना सही पढ़ो। कितना आएगा फाइनल में, कितना आएगा? रुचि रामपुरिया बताइए, जवाब दीजिए। 27 के लगभग आएगा, 27 आएगा क्या? पाई कमान 22/7 रख दिया था गधों, तभी तो ये कटा था ना। ये 27 के लगभग आएगा, 27.16 समथिंग आएगा सेंटीमीटर का, मीटर का स्क्वायर। किसमें आएगा? मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर के लिए इतना कुछ किया गया है ना। लिख लीजिए, जो कैलकुलेटर से कर रहे हैं ना वही बता रहे हैं 1656, दो तीन अंक में वही लोग ले जा रहे हैं, मोबाइल वाले नहीं कर रहे भाई। प्रकाश मीना आ रहा कुछ समझ में? हाँ नीरज कुमार, सचिन कुमार, चलो लिख लो फटाफट। उस वृत्त का क्षेत्रफल मीटर में 27.16 मीटर का स्क्वायर है, जिसकी त्रिज्या 294 सेंटीमीटर थी। कुछ घुसा दिमाग में, थोड़ा बहुत घुसा कि नहीं ये बताओ। सामने से हट जाऊं तो दिखता है बोर्ड, सामने आ जाऊं तो बोर्ड नहीं दिखता है, सामने से बगल हो जाऊं तो मैं नहीं दिखता हूं, तो मैं क्या करूं, बोर्ड दिखाऊं या मैं दिखूं? हाँ हमें लगता है बोर्ड दिखाना जरूरी है। चलो इसको मिटा दूं अब। अच्छा भैया ये बताओ, इसकी परिधि कौन बताएगा? चलो इसकी परिधि बताओ कितना आएगा, कोशिश करो जल्दी से। देखो सभी लोग एक बार कोशिश करो, नहीं आएगा तो बाकी गुणा भाग तो हम करेंगे। मिट गया, दिख रहा ना सही अब? चलो लिप पोत दिए। कोई कब बता रहा है क्या? जितेंद्र, अमित, बस इतना ही भाई, तुम लोग भाग जाओ यहां से। देखो यहां पे समझो, परिधि निकालना है ना, इसका सूत्र क्या होता है आपको पता है, परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, 2πr होता है। 2 × π का मान 22/7 और r का मान कितना, r का मान 294 है, इसको ऐसे ही रख लो अच्छा लगेगा, काटने पीटने में दशमलव आ जाता है, उसी में अटकता है, गिराता रहता है इधर उधर। हाँ चलो देखो, इसको 7 से काटो, 7 × 28, 7 × 14 फाइनल में आ जाएगा बच्चा, ये 22 × 44 और ये गुणा कितना आ गया 42। अब मल्टीपल तो तुम लोग कर ही लेते हो, इतने बड़े गधा तो हो नहीं। हाँ कितना आएगा, चल जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा? 2πr, देखो कोई बता रहा है 18.48। कितना आएगा रविशंकर? ठीक है बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। 44 को 42 में गुणा करना है, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है 1848 आएगा, गुणा करोगे ना कितना आएगा इसका फाइनल में मल्टीपल आएगा बच्चा, 1848 आएगा। ये किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, ये इतना मीटर आएगा। लेकिन याद रहे यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा इसमें। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको पता है, हमको सबको पता है बच्चा, स्क्वायर इसलिए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर सिर्फ एक बार आया है, या फिर बोले तो त्रिज्या एक बार आई है। अगर क्षेत्रफल होता तो आर का आर में गुणा होता, जैसे वैसे समझ लो, अगर कहीं 4 × 8 × a का गुणा होता है तो 4×8 = 32a होगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। अब समझो, अगर कहीं पर ऐसे होता है 4 × a × 8 × 3, तो ये गुणा हो जाएगा 4×3 = 12 और 12×8 = 12×5 = 60 12×6 = 72 12×7 = 84 12×8 = 96 गिने होना 96 और यहाँ पर एक और भी a होना चाहिए, हाँ तो ये 96 a का स्क्वायर आएगा। क्यों आया पता है? इसलिए आया बच्चा ये, क्योंकि यहाँ पर एक a था, यहाँ पर एक था, यानी जब दो वेरिएबल्स का आपस में मल्टीपल होता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। मैंने पढ़ाया इसकी पिछली क्लास में कि वेरिएबल्स में मल्टीपल करने पे घातें जुड़ जाती हैं।
कुछ दिमाग में घुसा थोड़ा बहुत कि नहीं? हाँ देखो, अगर आपको मैथ नहीं आती, बिल्कुल ईमानदारी से क्लास को पूरा देखो, गारंटी हम लेते हैं हम मैथ सिखाएंगे आपको, घर बैठे सीख सकते हो, ठीक है? चलो इधर आ गया। अब देखिए, आप लोग समझ गए ना, तो आज की क्लास लगभग पूरे एक घंटे की हो चुकी है, तो हम इसे यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सुन लीजिएगा क्लास छोड़ने के पहले। पहले तो कुछ होमवर्क है, इनको घर से करना, और अगर करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी हम यहाँ पे पढ़ाएं, कितना भी खोपड़ी पटक लें कुछ नहीं होने वाला। एक बात याद रखना, कहीं भी कोचिंग पढ़ते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, अगर कोचिंग एक घंटे पढ़ते हो, घर पे तुमको कम से कम 2 से 2.5 घंटा पढ़ना होगा, तब तो तुम्हारी उस कोचिंग का मतलब है। नहीं तो तुम कोचिंग जाने के पहले जो सजते संवरते हो, लीपा पोती करके जाते हो बढ़िया महका के, कोई मतलब नहीं इसी कोचिंग का। मत जाओ, अगर पढ़ना चाहते हो छोड़ दो, समझ रहे हो ना? हमारी क्लास भी ना देखो अगर तुमको क्लास के बाद टाइम नहीं है तो, कोई मतलब नहीं ऐसी क्लास देखने का अगर रिवीजन नहीं करते हो, समझ में आया ना? अगर किसी की क्लास में एक घंटा बैठ रहे हो तो तुम बाद में कम से कम 1 घंटा टाइम निकालो, तब तो उस क्लास का कोई मतलब निकलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस क्लास का, समझ में आया ना? आया ना समझ में? कोरोना टाइम में तो कितने लोगों का मेकअप का सामान गड़बड़ हो गया, क्योंकि कहीं जाना है नहीं, घर में बैठ के क्या करने लगा, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? कुछ लोग मनी मन गाली दे रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है। अब देखो यहाँ पर, सही कह रहे हैं ना? देखो, बोलते तो हम सही है लेकिन तुम लोग समझते कहाँ। जिन बच्चों को बिल्कुल फ्री की क्लास यूट्यूब पे देखना है, वो लोग एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीन शॉट लें, और स्क्रीन शॉट ले करके ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे भेज दें, ठीक है? समझ गए ना? जिनको भी पूरा कंप्लीट क्लास हर दिन पढ़ना है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीन शॉट भेज दें, जैसे कि उन्हें हर एक क्लास मिल सके, ठीक है? इस तरह से पूरा मैथ सीखने में आपको जो भी लगेगा 6 से 12 महीने एकदम डिटेल में सीखेंगे अच्छे से, तो इतना टाइम लगेगा, बाकी आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। दूसरी बात, एक काम और भी कर लेना, अगर आप जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हो अच्छी क्वालिटी में और कम समय में पढ़ना चाहते हो, डाउट भी पूछना चाहते हो, तो हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको थोड़ा सा शुल्क डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऊपर नंबर दिया गया, जो इस पे करना चाहे वो ज्वाइन पेड लिख के मैसेज करें, ज्वाइन पेड लिख करके मैसेज करें। इसके लिए आपको 549 से 699 तक इनमें से कोई भी एक अमाउंट का पेमेंट करना पड़ सकता है, मिनिमम 549, अधिकतम 699। पूरे साल भर के लिए इस समय कोर्स मिल रहा है, मतलब 46 रुपया महीना, 46 रुपया महीना, उतने में तो तुम्हारा किराया भी नहीं होगा महीने में, है ना? समझ में आया ना? चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। कोई भी अगर आपके मन में दिल में पढ़ाई से संबंधित तो कोई कंफ्यूजन है, तो इन नंबरों पर फोन करके सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच बता देना। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। याद रखना, सुबह 7 बजे फिर से लाइव होगी, ठीक है बच्चा? सुबह 7 बजे किसी का कोई सवाल है तो बता दो, क्लास से संबंधित विशेष रूप से। सुबह 7 बजे सभी आओगे ना? हाँ हाँ, हर दिन लाइव होगी, शाम को 9 बजे से हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। सुबह 7 बजे से जिनकी कहीं कोचिंग ट्यूशन है भाई, वो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लौट के आएंगे तब देख लेंगे, लेकिन उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि वो क्लास को ऑनलाइन देखेंगे, डाउनलोड ना करेंगे, ठीक है? क्लास को ऑनलाइन देखेंगे, हर दिन मिलेगा, लेकिन वीडियो को यूट्यूब पे डाउनलोड कतई ना करें, वीडियो को यूट्यूब पे डाउनलोड कतई ना करें, कहीं भी शेयर ना करें, काट करके रखें ना चुरा करके, हाँ समझ रहे हो ना? हमें भी जीने दो भाई, समझ गए ना? यूट्यूब पे देखोगे तो हमारा भी फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है। अगर डाउनलोड करके रख लोगे तो मेरा तो तुम गड़बड़ कर दिए, अपना फायदा कर लिए, तो इसलिए डाउनलोड नहीं करना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नंबर नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना मैसेज करके, फोन करके। लेकिन हाँ, याद रहे, क्वेश्चन नहीं बताया जाता, सिर्फ और सिर्फ क्लास से संबंधित बातें बताई जाती। बाकी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताया जाएगा।